गुड मॉर्निंग क्लास। सो देखिए, लास्ट क्लास हम लिमिटिंग रिएजेंट की बात किए थे। लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है? यस, इट इज दैट रिएक्टेंट विच कंज्यूम्ड अर्लियर इन द रिएक्शन एंड इट इज द सेम रिएजेंट ऑन विच द प्रोडक्ट फॉर्म्ड विल बी डिपेंडिंग। हाँ, ये वो रिएजेंट है या रिएक्टेंट है जिस पे की पूरी रिएक्शन डिपेंड करती है। ये रिएक्शन कंप्लीट होने से पहले ही फिनिश हो जाता है, इसलिए रिएक्शन आगे नहीं बढ़ती, यानी रिएक्शन फर्दर इंक्रीज नहीं करती, वो रुक जाती है। चलिए, ये सब थ्योरी पार्ट तो कवर हो गया था। आपको एक क्वेश्चन में इशू आई थी, राइट? चलिए डिस्कस करते हैं, क्या है क्वेश्चन। देखिए, इन द गिवन रिएक्शन इफ टू मोल्स ऑफ आई टू एंड थ्री मोल्स ऑफ के आई आर रिएक्टेड, रिएक्शन है हमारे पास पोटेशियम आयोडाइड रिएक्ट्स विथ आई टू प्लस एच एन ओ थ्री ओके, यही क्वेश्चन है ना। टू गिव्स अस बैलेंस रिएक्शन लिख लीजिए, टू के आई 22HNO3, फिर दिया है 2HIO3 2HIO3 प्लस 2KIO3 प्लस 22 टाइम्स ऑफ NO2 एंड 10 टाइम्स ऑफ H2O। एक्चुअली आपके क्वेश्चन में ये रिएक्शन शायद नहीं दिया गया था, जो कि रिएक्शन दिया रहेगा, ये क्वेश्चन का ही पार्ट है, ठीक है, ये आपको दिया होना चाहिए था। खैर, देखिए हमारे क्वेश्चन में और क्या दे रखा है। इन द गिवन रिएक्शन इफ टू मोल्स ऑफ आयोडीन एंड थ्री मोल्स ऑफ पोटेशियम आयोडाइड, इसके हमने कितने मोल्स लिए हैं? टू मोल्स ऑफ आयोडीन, इसके दो मोल्स और थ्री मोल्स ऑफ पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है। रिएक्शन में कह रहा है अगर हम इतना लें, ठीक है, विथ एक्सेस आर रिएक्टेड विद द एक्सेस ऑफ HNO3, बताइए कि HNO3 क्या लिमिटिंग रिएजेंट हो सकता है? नहीं, क्यों नहीं हो सकता? बहुत ही सिंपल सी बात है, क्योंकि HNO3 क्या दिया है, एक्सेस अमाउंट में है, तो ये क्या सर रिएजेंट होगा? हाँ, दिस विल बी एक्सेस रिएजेंट। तो एक्सेस रिएजेंट तो वो होते हैं जो रिएक्शन फिनिश होने के बाद भी बचे रहते हैं, तो ये लिमिटिंग रिएजेंट तो नहीं हो सकता। खैर छोड़िए, तो फिर लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा? दो ऑप्शन है मेरे पास, या तो पोटेशियम आयोडाइड हो सकता है या तो फिर आयोडीन हो सकता है, ये तो होगा ही नहीं। अच्छा ठीक है, लिमिटिंग रिएजेंट कैसे निकालते हैं? मोल्स को देख के। देखिए, मोल्स आपको दिए गए हैं यहाँ पर, थ्री मोल्स टू मोल्स, बताइए लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, आयोडीन या पोटेशियम आयोडाइड? आयोडीन, गलत हो जाएगा। हमने कहा था कि लिमिटिंग रिएजेंट हम मोल्स को जब उसके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करते हैं तब पता चलता है कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। तो देखिए डिवाइड कर लेते हैं, इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है? 2, सो 3 डिवाइडेड बाई 2, इसका कुछ नहीं है तो 1 होगा। सॉल्व करिए तो देखिए ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1.5, ये वैल्यू कितनी आएगी, 2। देखिए कौन सी वैल्यू छोटी है, ये छोटी है ना, तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो गया? पोटेशियम आयोडाइड हो गया। यहां तक तो समझ में आ गया होगा अब आपको, यानी जो मेरा प्रोडक्ट बनेगा इसी के बेस पे बनेगा, सही है। चले देखिए, अगर इसके बेस पे बनेगा तो बताइए स्टोइकियोमेट्री, अभी हम इसको भूल जाते हैं थोड़ी देर के लिए, अभी हम अपने स्टोइकियोमेट्रिक से डील करेंगे। बताइए, टू मोल्स ऑफ पोटेशियम आयोडाइड हमें कितना देगा, क्या चाहिए हमें? हाँ, NO2 गैस का वॉल्यूम निकालना है, तो पहले NO2 बताइए कितने मोल्स मिलेंगे हमें, 22 मोल्स, सो 22 मोल्स ऑफ NO2। बताइए 1 मोल ऑफ पोटेशियम आयोडाइड, 2 से 1 करेंगे तो 2 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा, ये हो जाएगा कितना, 11 मोल ऑफ NO2।
हो जाएगा। देखिए हमारे क्वेश्चन में कितना दिया था मोल, पोटेशियम आयोडाइड के 3 मोल्स दिए हैं, यानी कि हमारे क्वेश्चन में 3 मोल्स के लिए डिफाइन करना है। 1 मोल के लिए तो आप पता कर लिए, तो 3 मोल्स कैसे लिख लीजिए, 3 मोल पोटेशियम आयोडाइड कितना देगा, 1 से 3 किए तो 11 × 3 कितना हो जाएगा, 33 मोल NO2। अब बस देखिए ये कितना आ गया आपको, 33 मोल आ गया। आपसे पूछ क्या रहा है, देखिए कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ NO2 गैस इवॉल्व्ड एट 1 ATM एंड 273 केल्विन। STP है, STP का ये पुराना वाला मेथड है, ठीक है, 1 ATM 273 केल्विन। बताइए इस प्रेशर पे आपको कितना वॉल्यूम मिलता है, हाँ 22.4 लीटर। अगर यहाँ 1 बार होता तो कितना मिलता, 22.7 लीटर। तो हम कितनी वैल्यू रखेंगे, 22.4। अब बताइए अगर आपको मोल्स पता है और मोल्स से आपको वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम ऑफ NO2, तो ये क्या करते हैं, जब भी हम मोल्स से कुछ और कैलकुलेट करते हैं तो हमेशा क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए 33 मल्टीप्लाइड बाई मोलर वॉल्यूम, अभी हमने बताया कितना, 22.4 लीटर, इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए कितना हो जाएगा, 33 × 4 = 132, आई थिंक 13 विल बी कैरी, फिर 66 एंड 13, 79, 66 एंड 7, 73.1। देखिए इतना आंसर आना चाहिए, 739.2 लीटर, सही है ना। यही आंसर बदल जाता कब, अगर हम यहाँ 1 ATM जगह पे क्या लिख देते, 1 bar लिख देते। तो आप भी क्या करते हैं, जो यहाँ पर हम 22.4 लीटर का मल्टीप्लाई किए हैं, आप किसका मल्टीप्लाई करते हैं, 22.7 लीटर का करते हैं, सही है। तो बस इतनी सी बात थी, रिएक्शन देख के डरना नहीं चाहिए आपको। चलिए ये क्वेश्चन हो गया, एक और क्वेश्चन था, ये उल्टा हो गया ना, खैर इसी का ये सॉल्यूशन दिया है, वो तो हम आपको एक्सप्लेन ही कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन द रिएक्शन ऑफ 4A 2B 3C, चलिए रिएक्शन यहीं ऐसे ही रहने देते हैं, ये है रिएक्शन हमारा, क्या है, 4A 2B 3C गिव्स अस A4B2C3, मोल्स दिया है, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ मोल्स प्रोड्यूस्ड फॉर्म फ्रॉम मोल्स ऑफ, 1 मिनट, क्वेश्चन सही है, आधे ही दिख रहा लग रहा है, मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड, ठीक है, हमें क्या निकालना है, जो प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट कौन है, यही है ना, रिएक्शन देख लीजिए क्या दिया है हमें, 4A + 2B + 3C, प्रोडक्ट बन रहा है A4, B2 and C3। हमसे पूछ रहा है बताइए जो प्रोडक्ट बनेगा इसके कितने मोल्स आएंगे, इसके नंबर ऑफ मोल्स निकालना हमें, ठीक है, और कुछ डेटा दिया हुआ हमें, 2 मोल्स A दिया है, ये कितना दिया है, दिस इज गिवन 2 मोल्स, और देखिए 1.2 मोल बी दिया, ये दिया 1.2 मोल, ये आपको पूरा दिख नहीं रहा होगा ना, चलिए हम पेज चेंज करते हैं, देखिए हाँ क्या दिया था, A4 × A 2 × B + 3 × C, वाज गिवन द प्रोडक्ट ऑफ A4 B2 C3, ये दिया है आपको 2 मोल्स, ये दिया आपको 1 पॉइंट, देखिए कितना दिया है, ओहो तो दिखेगा ही नहीं, खैर थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए ना, हाँ तो ये दिया है आपको 2 मोल्स, फिर 1.2 और 1.44, ये आपको दिया है
टू मोल्स और कितना दिया था, दिस इज गिवेन 1.2, दिस इज गिवेन 1.2 मोल, दिस इज गिवेन 1.44 मोल, ये आपको दिया है। पहला काम, जब भी आपको एक से ज़्यादा रिएक्टेंट्स मिल जाए, हाँ, तो आप क्या करते हैं, उनका लिमिटिंग रिएजेंट चेक करते हैं, ठीक है। तो चलिए लिमिटिंग रिएजेंट चेक करिए, मोल्स को उनके स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करना है। तो देखिए 2 / 4 कितना आ जाएगा, 0.5, ऐसे ही। इसका बताइए मोल्स कितना दिया, 1.2 डिवाइडेड बाई कोएफिशिएंट कितना इसका 2, सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा 0.6, ठीक है। और ये देखिए 1.44 मोल डिवाइडेड बाई 3, इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 0.48। अब देखिए ये है 0.5, ये है 0.6 और ये है 0.48। ब्रेक किसकी वैल्यू सबसे छोटी है, इसकी वैल्यू सबसे छोटी है, यानी कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो गया, थर्ड वाला। दिस मीन्स दैट दिस इज आवर लिमिटिंग रिएजेंट, यही डिसाइड करेगा कि प्रोडक्ट कितना बनेगा, ठीक है। तो पहले हम स्टोइकोमेट्री बताइए क्या दे रहा है, 3 मोल्स सी से, सी यहाँ पे कार्बन नहीं है, यहाँ पे कोई भी मेटल एलिमेंट हो सकता है, सी से हमें बताइए कितना मिलेगा, 1 मोल A4B2C3 मिलेगा, बताइए मिलेगा ना, हम 1 मोल के लिए निकालते हैं, तो 1 मोल सी से बताइए कितना मिलेगा, 3 से डिवाइड कर देंगे इधर आ जाएगा 1/3 मोल A4B2C3। हमें किसने के लिए निकालना था, वो तो क्वेश्चन देखना पड़ेगा, क्वेश्चन में दे रखा था कितने मोल के लिए निकालना, हमें 1.44 मोल के लिए, यहाँ लिख देंगे 1.44 मोल सी से कितना मिलेगा, 1/3 इंटू 1.44 मोल A4B2C3, इसको सॉल्व कर दीजिए, देखिए कितना आ रहा है, 3 4 12 एंड 3 8 24, यानी कि आंसर आएगा 0.48 मोल A4B2C3। देखिए यही दिया था आंसर, 0.48 मोल A4B2C3। कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस, हाँ। तो चलिए आगे आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज से जो हमारा टॉपिक है बहुत ही सिंपल से टॉपिक है, दैट इज परसेंट यील्ड। क्या है परसेंट यील्ड, पहले तो आपको ये समझना होगा एक्चुअली यील्ड का क्या मतलब है, फिर हम आगे भी बढ़ेंगे। यील्ड का मतलब प्रोडक्ट, यील्ड का मतलब प्रोडक्ट, यानी कि किसी भी रिएक्शन से कितना प्रोडक्ट बन गया या कितना रिएक्टेंट हमने यूज किया। अमाउंट को कौन डिफाइन करेगा, यील्ड डिफाइन करेगा, सही है। तो यील्ड क्या है, एक्चुअली अमाउंट को डिफाइन करने वाला टर्म है। अब देखिए जब हम कोई भी चीज परचेस करने जाते हैं, लेट्स से ये तो साइकिल बन के लग रहा है, खैर मान लीजिए ये एक बाइक है, हम लिख देते हैं दिस इज अ बाइक। जब हम कंपनी से परचेस करते हैं तो कंपनी कहती है ये आपको 50 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज तौर पे माइलेज देगी। माइलेज का मतलब अगर आप 1 लीटर पेट्रोल डालेंगे तो आप 50 किलोमीटर अपने बाइक से जा सकते हैं, सही है। ये क्या है, ये स्पीड वगैरह नहीं है, ये माइलेज होता है। माइलेज का मतलब वो ये बताता है कि 1 लीटर पेट्रोल में आपकी गाड़ी कितनी दूर जाएगी, 50 किलोमीटर। चलिए आपने इसको खरीद के लेके आया घर, 1 लीटर पेट्रोल डलाए और आप कहीं रिलेशन में जाने लगे जो कि एग्जैक्ट कितना दूर था, 50 किलोमीटर, और आप मान के चले थे कि भाई 50 किलोमीटर जाएगी, तो आप चल दिए। पता चला भी आप रिलेशन पहुंचे नहीं, वहां से 5 किलोमीटर दूर थे, कितना, अभी आप 5 किलोमीटर दूर ही थे, पेट्रोल खत्म, क्या हो गया, पेट्रोल खत्म हो गया। अब तो आया आपको बहुत गुस्सा,
रास्ते में ही बंद, अब पेट्रोल पंप कहाँ ढूंढेंगे, प्रॉब्लम्स बढ़ गई। खैर वो प्रॉब्लम्स आप सॉर्ट आउट कर भी लेंगे। यहाँ से एक नई चीज़ हमें सीखने को मिलेगी। फिर क्या किया, जब भी हम पेट्रोल वेट्रोल भरवा के खाली हुए, फिर पहुँच गए कंपनी वाले के पास, भाई देखो तुम तो ऐसा कहे थे ऐसा ही हो गया, चलो मेरी बाइक वापस करो, नहीं पैसे वापस करो, बाइक तुम रखो अपना। तो उसने क्या बताया, ध्यान से सुनिएगा, उसने ये कहा कि जो ये 50 किलोमीटर पर लीटर की वैल्यू है, दिस इज थ्योरेटिकल वैल्यू। थ्योरेटिकल वैल्यू का मतलब हम इतनी मैक्सिमम वैल्यू एक्सपेक्ट करते हैं, यानी कि हमारी उम्मीद है कि हमें 50 किलोमीटर पर लीटर मिलेगी। वो कंफर्म मिलेगी, इस बात की कोई गारंटी नहीं होती है। कहीं ये क्या बात हुई, तो वो हमें समझाता है। देखिए कहता है कि ये जो एवरेज या माइलेज आपको दिया जाता है, ये एकदम स्मूथ रोड के लिए दिया जाता है, यानी कि एकदम परफेक्ट रोड, जिस पे कहीं कोई गड्ढा ना हो, कहीं कोई ब्रेकर ना हो, जहाँ कहीं कोई ट्रैफिक ना मिले आपको, उस केस में, यानी कि आइडियल केस में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हो, उस केस में आपको ये माइलेज देखने को मिलेगी। लेकिन ऐसा तो कोई रोड बना ही नहीं है, आप किसी भी रोड पे जाएंगे, कितना वो अच्छा रोड हो, कहीं ना कहीं आपको ब्रेकर मिल सकता है, कहीं ना कहीं ट्रैफिक मिल सकती है, आपको बार बार स्पीड चेंज करना पड़ता रहता है, यानी कि आपको आइडियल कंडीशन अचीव नहीं होता। तो यही कारण है आपको 50 किलोमीटर पर लीटर माइलेज लिखा जरूर है, कभी भी आपको 50 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज आपको नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये तो हमने कैलकुलेट किया था, ये हमारी उम्मीद है कि अगर सब कुछ सही रहा तो आप मैक्सिमम 50 किलोमीटर जा सकते हैं। आप जाएंगे इस बात की कोई गारंटी नहीं है। यानी कि उसने कहा अगर आपके पास दो रोड है, एक थोड़ा ख़राब है एक ज़्यादा ख़राब है, तो अभी तो आप 45 किलोमीटर चले गए थे, ज़्यादा ख़राब होती तो शायद आप 40 किलोमीटर ही जा पाते, यानी कि ये सिचुएशन डिपेंडेंट होता है। तो उसने कहा कि दो टाइप के माइलेज हो गए अब, एक माइलेज जो हम आपको लिख के देते हैं, इसको बोलते हैं हम थ्योरेटिकल वैल्यू या थ्योरेटिकल माइलेज, या फिर इसको हम एक और माइलेज के नाम से बोलते हैं जिसको बोलते हैं हम कैलकुलेटेड, यानी कि ये मेरी कैलकुलेशन है, मेरी मैथ्स मैंने कैलकुलेट किया है कि इतना आना चाहिए, या फिर इसको एक टर्म और दिया जा सकता है जिसका नाम है एक्सपेक्टेड, उम्मीद। हमारी उम्मीद है कि अगर सब कुछ सही रहा तो आपको 50 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज मिलेगी, लेकिन ऐसा रियल लाइफ में नहीं होता। तो अब रियल लाइफ में क्या हुआ बताइए, 5 किलोमीटर पहले ही बाइक की पेट्रोल खत्म हो गई थी, तो भैया टोटल कितना किलोमीटर आपने कवर किया था, 45 किलोमीटर कवर किया था आपने, किया था ना। तो ठीक है, अब हमसे कोई पूछ लेगा बताओ भाई परसेंटेज यील्ड, यानी कि एक्चुअली में कितना डिफरेंस आपको देखने को मिला परसेंटेज में बताओ। तो अब हम उसको डिफाइन करेंगे। देखिए आपको पता ही है 100 मार्क्स के पेपर में आपने सारे क्वेश्चंस करके आ गए, सारे क्वेश्चंस सब सही भी थे, फिर भी टीचर ने नंबर काट के आपको दिया सिर्फ 99। अब ये क्या बात हुई, तो जब आप पूछते टीचर से तो टीचर क्या कहता है, हमने हैंड राइटिंग पे एक नंबर काट लिया। यानी कि आपकी एक्सपेक्टेशन थी कि आपको 100 मार्क्स मिलने चाहिए थे, लेकिन मिले कितने, 99। अगर आपसे परसेंटेज पूछा जाए तो क्या बताएंगे, जितना मिला अपॉन टोटल, जितना मिलना चाहिए था मल्टीप्लाई बाय 100। ध्यान दीजिएगा फॉर्मूला कैसे बनता है, कितना मिला 99, कितना मिलना चाहिए था 100 मल्टीप्लाई बाय 100। क्यों ये 100 इसलिए आया क्योंकि परसेंटेज निकाल रहे हैं आप, जब भी हम परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो बताइए परसेंटेज यील्ड हमें कितना मिला, माइलेज 45 का, सो 45 अपॉन मेरी उम्मीद कितनी थी, मुझे मिलना कितना चाहिए था 50 किलोमीटर पर लीटर, क्योंकि परसेंटेज निकाल रहे हैं तो मल्टीप्लाई बाई 100। इसको सॉल्व कर देंगे तो देखिए 245 × 2 दैट विल बी इक्वल टू 90%। यानी कि अगर हमसे पूछ लें कि इस केस में परसेंट यील्ड कितना है, तो दैट इज 90%। यानी कि जरूरी नहीं हम जितना एक्सपेक्ट करें हमें उतना मिले, हाँ जितना एक्सपेक्ट करेंगे उसका 90% ही मुझे मिलेगा इस क्वेश्चन में। आप ऐसे भी देखिए 50 का 90% कैलकुलेट करेंगे तो 45 ही आता है। बात समझ में आई? तो अभी हम आपको क्या समझाना चाहते हैं कि हमारे रियल लाइफ केमिस्ट्री में भी यही होता है,
हम जब भी कोई इक्वेशन लिखेंगे तो हमें लिख के उम्मीद करते हैं कि हमें इतना प्रोडक्ट मिलना चाहिए, लेकिन वो मिलेगा इस बात की कोई गारंटी नहीं है। क्यों नहीं मिलता है, ये भी अच्छा सवाल है, तो फिलहाल हम वो भी डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम अपना फॉर्मूला बना लें। देखिए परसेंटेज यील्ड का फॉर्मूला क्या बनेगा, अब ये वैल्यू कौन सी है, हाँ एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, जब मैंने एक्सपेरिमेंट किया खुद चलाया तो मुझे इतनी वैल्यू मिली, तो हम लिखेंगे ऊपर क्या, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू डिवाइडेड बाय 50 क्या थी मेरी थ्योरेटिकल वैल्यू जो मैंने कैलकुलेट किया था मैथ से, मेरी कैलकुलेशन बताई थी, या फिर एक्सपेक्टेड वैल्यू मैंने कितनी उम्मीद की थी 50 × 100। फॉर्मूला बन गया, फॉर्मूला आसान है, याद भी रह जाएगा। अब देखिए N2 reacts with H2 gives us ammonia NH3, इसको बैलेंस कर लीजिए तो देखिए ये होगा। इस केस में हाइड्रोजन हमारा क्या होता है, मान लीजिए लिमिटिंग रिएजेंट है, तो हमने कहा बताओ भाई 30 ग्राम हाइड्रोजन गैस कितने नाइट्रोजन से रिएक्ट करेगा, तो आपने कहा सर 10 ग्राम नाइट्रोजन से। क्यों, स्टोइकोमेट्री देख के 3:1 का रेशियो है, ये अगर 3 टाइम्स है तो ये 1 टाइम रहेगा ना, तो बताइए ये अगर 30 ग्राम है तो ये कितना 10 ग्राम, ये है हमारा 2NH3। बताइए अगर ये 30 ग्राम है तो ये कितना बनेगा 20 ग्राम। अब ध्यान से देखिएगा टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट्स 10 ग्राम प्लस 30 ग्राम कितना हो गया 40 ग्राम, जबकि आपको प्रोडक्ट में कितना मिला सिर्फ और सिर्फ 20 ग्राम। आप बताइए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, मास ऑफ द रिएक्टेंट शुड बी इक्वल टू मास ऑफ द प्रोडक्ट, यानी कि अगर ये 40 ग्राम है तो ये भी 40 ग्राम बनना चाहिए था ना, लेकिन नहीं बना, तो यहीं पे प्रॉब्लम है। वही प्रॉब्लम क्या है हमारी, परसेंट यील्ड की प्रॉब्लम है, यानी कि जरूरी नहीं कि हम जितना कैलकुलेट करें हमें वैल्यू उतनी मिले। कैलकुलेशन के हिसाब से हमें 40 ग्राम अमोनिया गैस मिलनी चाहिए थी, लेकिन जब मैंने एक्सपेरिमेंट किया इसको तो मुझे सिर्फ कितना मिला 20 ग्राम अमोनिया मिला, तो बताइए परसेंटेज यील्ड कितना आएगा। तो लिख लीजिए परसेंटेज यील्ड का फॉर्मूला, पहले हम क्या लिखते हैं कितना मिला हमें एक्सपेरिमेंट से 20 ग्राम, कितना मिलना चाहिए था 40 ग्राम मल्टीप्लाइड बाई 100, तो देखिए 0 से 0 कैंसिल, 2 × 2 = 4, 2 से इसको कैंसिल करेंगे 50, यानी कि परसेंटेज यील्ड कितना है आपका 50% है। ये एक बात, दूसरी बात अब हम ये डिस्कस करेंगे आखिर ये हो क्यों रहा है। देखिए इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं और वो रीजंस आपको आपके हायर स्टडीज में पढ़ाए भी जाएंगे, तब तक आप इतना बस जानते रहिए जरूरी नहीं जो रिएक्शन आपको दिख रहा है ये रिएक्शन उतना ही हो रहा हो, इसके साथ साथ और भी रिएक्शंस होते रहते हैं, जिन रिएक्शंस को हम बोलते हैं साइड रिएक्शन। क्या बोलते हैं हम, हाँ साइड रिएक्शन। तो एक ये रीजन हो सकता है जो कि हमें दिखा ही नहीं, हमें तो बस ये दिखा कि इतना मिक्स किया था अमोनिया बना, यानी कि टोटल अमोनिया ही होना चाहिए था, ऐसा नहीं है, हो सकता है इस अमोनिया के साथ साथ कुछ और भी बन रहा हो जो हमें पता ही नहीं है अभी, उसे बोलते हैं हम साइड रिएक्शन। एक तो ये रीजन हो गया, दूसरा रीजन ये हो जाता है कई बार जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की जब आपने मिक्सिंग की हो सकता है वो प्योर फॉर्म में ना हो, यानी कोई इम्प्योर हो, तो एक्चुअली अगर ये प्योर नहीं होगा तो क्या आपको एक्चुअल वैल्यू आपको मिलेगी उतनी नहीं, तो दूसरी रीजन हो जाती है एक तो इम्प्योरिटी, तीसरी रीजन आपको याद है हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के साथ हमने कहा था कुछ मास एनर्जी में भी कन्वर्ट हो जाते हैं, सही है, तो वो देखिए तीसरा रीजन वो हो गया। तो ये कुछ रीजंस हैं जिसकी हेल्प से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि परसेंट यील्ड आता ही क्यों है। अगर मान लीजिए ये हमने 10 ग्राम या 30 ग्राम लिया था, टोटल कितना था 40 ग्राम, और ये भी अगर हमें कितना मिल जाता, मिलेगा नहीं, कितना अगर मिल जाता तो कितना होता 40 ग्राम, तो बताइए उस केस में हम बोलते परसेंट यील्ड कितना हमारा 100%, यानी कि जितना हमें चाहिए था उतना हमें मिल गया, यानी कि 100% हो गया।
ठीक है। यानी कि अगर कभी भी परसेंट के लिए आपको 100% दिया है तब कह सकते हैं कि जितना मास ऑफ द रिएक्टेंट होगा उतना ही मास ऑफ द प्रोडक्ट होगा। क्लियर है परसेंट यील्ड का एक्चुअल मतलब समझ में आया अभी आपको? चलिए परसेंट यील्ड फॉर्मूला देखिए क्या होगा, जितना आया एक्चुअल वैल्यू या एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, जब मैंने एक्सपेरिमेंट कराया रिएक्शन का तो मुझे जितनी वैल्यू मिली वो वैल्यू डिवाइडेड बाई कितना आना चाहिए था एक्सपेक्टेड, मेरी उम्मीद थी थ्योरेटिकल मेरे थ्योरी के हिसाब से या कैलकुलेटेड, यहाँ पे चाहे तो आप टर्म और ऐड कर सकते हैं कैलकुलेटेड, हमने कैलकुलेशन जो किया था वो वैल्यू मल्टीप्लाई बाई 100, 100 का मल्टीप्लाई इसलिए किए क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं परसेंट निकाल रहे हैं, सही है। तो चलिए देखिए द एक्सपेरिमेंटल यील्ड और एक्चुअल यील्ड इन एनी रिएक्शन इज ऑलवेज लेस देन द थ्योरेटिकल और कैलकुलेटेड यील्ड फ्रॉम द बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, हमेशा जो एक्चुअल वैल्यू होगी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू वो हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यू से कम होगी। सिंपल सी बात है, जब कंपनी ने कहा था कि 50 किलोमीटर पर लीटर का आपको माइलेज मिलेगा तो वो तो मैक्सिमम वैल्यू था, क्या पॉसिबल है आपको 55, 56, 57 मिल जाए? नहीं, वो वैल्यू जो आपको एक्सपेरिमेंटली मिलेगा वो वैल्यू हमेशा 50 से कम रहेगा। हाँ एक केस और है, अगर सब कुछ आइडियल कंडीशन रहा तो हो सकता है कि आपको एक्सपेरिमेंटली भी 50 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज मिल जाए, सही है। यानी कि वो मैक्सिमम वैल्यू है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू हमेशा मैक्सिमम वैल्यू से थोड़ी बहुत छोटी ही रहती है। नेक्स्ट देखिए रीजन, ऐसा क्यों होता है? दिस इज बिकॉज ऑफ द सर्टेन साइड रिएक्शन टेकिंग प्लेस। हाँ ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कुछ रिएक्शन साइड में होती रहती है जो कि हम उसको कंसिडर नहीं करते हैं, 11, 12 तक हम कंसिडर आगे नहीं करेंगे लेकिन उसके आगे स्टडीज में करते हैं तो हमारा वो काम सेटिस्फैक्शन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सेटिस्फाई वो करता है, जरूरी हर रिएक्शन में हो लेकिन किसी भी रिएक्शन में हो सकता है। आगे देखिए दूसरा एक और कंडीशन हो सकता है, लेस आइडियल कंडीशन देन रिक्वायर्ड। मान लीजिए आपको चलने के लिए एकदम स्मूथ रोड चाहिए थी और आपको ऐसा रोड मिल गया जिसमें ढेर सारे गड्ढे हैं, ढेर सारे ब्रेकर हैं, तो माइलेज आपको कभी भी 50 किलोमीटर पर लीटर की नहीं मिलेगी। यानी कि जो कंडीशन आइडियल होनी चाहिए अगर उससे खराब कंडीशन है तो भी आपका परसेंट यील्ड की वैल्यू क्या हो सकती है? हाँ डिक्रीज हो सकती है। आगे देखिए देयरफॉर परसेंट यील्ड कैन बी डिफाइंड, अगर आप डिफाइन करना चाहें तो डिफाइन भी कर सकते हैं एज द परसेंट रेशियो ऑफ द एक्सपेरिमेंटल एंड थ्योरेटिकल यील्ड। हाँ परसेंटेज रेशियो निकाल दीजिए किसका, एक्सपेरिमेंटल यील्ड जो हमने एक्सपेरिमेंट में किया एक्चुअली जो हमें मिला डिवाइडेड बाई थ्योरेटिकल यील्ड या एक्सपेक्टेड जो मैंने उम्मीद किया था मैक्सिमम इंटू 100। एक नोट पॉइंट है देखिए, इफ परसेंट यील्ड इज 100, अगर परसेंट यील्ड 100 हो गया तो बताइए क्या होगा? हाँ दोनों वैल्यू सेम हो जाएंगी, देन एक्सपेरिमेंटल यील्ड एंड थ्योरेटिकल यील्ड बोथ विल बिकम सेम। चलिए अब हम क्वेश्चंस करेंगे तो और आपको क्लैरिटी मिलेगी, देखिए तब तक अगला क्वेश्चन दिया है, इफ द थ्योरेटिकल यील्ड ऑफ मैग्नीशियम सल्फाइड इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज 56 ग्राम, ठीक है क्या दिया ये थ्योरेटिकल यील्ड, यानी कि ये मेरी कैलकुलेटेड यील्ड है, एक्सपेक्टेड यील्ड है, मैं इतना उम्मीद कर रहा हूं, तो बताइए ये मैक्सिमम है या इससे भी ज्यादा वैल्यू आपको मिल सकती है? हाँ ये तो मैक्सिमम है, थ्योरेटिकल मतलब मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से इतना हमें मिलना चाहिए, दैट इज 56 ग्राम, बट एक्सपेरिमेंटली जब हमने एक्सपेरिमेंट किया रियल लाइफ में हमने इसको खुद चेक किया इट वॉज फाउंड टू बी 50 ग्राम, ये तो धोखा हो गया भाई। हाँ जब हमने एक्सपेरिमेंट किया तो हमें कितना मिला, सिर्फ 50 ग्राम। कैलकुलेट द परसेंटेज यील्ड, बहुत सिंपल है फॉर्मूला लगा दीजिए, परसेंटेज यील्ड का फॉर्मूला बताइए क्या होता है? हाँ ऊपर हम किसको लिखते हैं कितना मिला, कितना मिला आपको 50 ग्राम, कितना मिलना चाहिए था 56 ग्राम मल्टीप्लाई बाई 100, इसको सॉल्व कर देंगे आपको आपकी वैल्यू मिल जाएगी, कर सकते हैं। देखिए वैल्यू वगैरह सब यहाँ कैलकुलेट करके दिया होगा, देखिए परसेंटेज का फॉर्मूला, एक्सपेरिमेंटल यील्ड कितना मिलना चाहिए था, नीचे लिखेंगे कितना मिला
उसको ऊपर लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई 100, फिर सॉल्व कर देंगे, आपकी वैल्यू आ जाएगी 89.28%। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपके लिए, ये आपका होमवर्क है, आप खुद ट्राई करेंगे। देखिए एक बात और, इसमें तो हमने आपको थ्योरेटिकल यील्ड दे दिया है, कई बार आपको थ्योरेटिकल यील्ड क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा, ये वाला पार्ट आपको दिया नहीं रहेगा। तब तब सोच रहे होंगे सर तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, बहुत सिंपल है, आप देखिए ना क्या दिया है, रिएक्शन आपको मालूम चल जाएगी, रिएक्शन दिया है कैल्शियम कार्बोनेट का, तो बताइए कार्बन डाइऑक्साइड के साथ डील कर रहे हैं ना हम, ओके हाँ CO2 के साथ, तो बताइए इसका मोलर मास 100 ग्राम, इसका मोलर मास 56, हाँ सही है, इसका मास मोलर मास 44 ग्राम, तो ये कितना मिलना चाहिए था उसको 44 ग्राम। तो ये इसकी एक थ्योरेटिकल यील्ड है जो इतनी इसको मिलनी चाहिए, किस केस में, इन केस ऑफ 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट। तो आप इसको एक बार ट्राई करेंगे, देखिए क्या दिया है, ए 4.4 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्म्ड एक्सपेरिमेंटली व्हेन 20 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड। ध्यान रहे ये कब के लिए है, 20 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट के लिए। 44 ग्राम आपको कब मिलेगा, इन केस ऑफ 100 ग्राम, बताइए अगर 20 ग्राम के लिए निकालना होगा तो इसको भी 5 से डिवाइड कर दीजिए, इसको भी 5 से डिवाइड कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा 20 ग्राम, ये कितना हो जाएगा 8.8 ग्राम, यानी कि आपको 8.8 ग्राम मिलना चाहिए, कितना मिला आपको 4.4 ग्राम। आप वैल्यू कैलकुलेट कर देंगे परसेंट यील्ड की, ठीक है चलिए। अब इसके एप्लीकेशन हम पढ़ते हैं, ए परसेंट यील्ड इज गिवन देन, ये वही मोल्स वाला किस्सा आपको कुछ देखने को मिलेगा। अगर मोल्स से हम मास निकालते हैं तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं ना, वैसे ही अगर आपको परसेंट यील्ड दिया है तो आपसे दो चीज़ें पूछेगा, या तो रिएक्टेंट का मास पूछेगा आपसे या तो प्रोडक्ट का। अगर रिएक्टेंट का पूछता है तो आप डिवाइड बाई परसेंट यील्ड कर दीजिए, अगर आपसे प्रोडक्ट पूछता है तो मल्टीप्लाई बाई परसेंट यील्ड कर दीजिए। देखिए जब भी रिएक्टेंट को हम क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं, मल्टीप्लाई बाई परसेंट यील्ड करते हैं, जब हम प्रोडक्ट को रिएक्टेंट बनाते हैं तो डिवाइड बाई परसेंट यील्ड कर देते हैं। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है, अभी थोड़ी बहुत डाउट रहेंगे आपके, जैसे आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाँ हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है ये रिप्रेजेंटेशन है किसका, परसेंट यील्ड का, कितना है 80%, और हमें क्या मिल रहा है कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड गैस, बस यही दिया। हमसे पूछा है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस का मास बताइए कितना आएगा, तो ठीक है पहला काम आप रिएक्शन को लिख लीजिए, दिया कैल्शियम कार्बोनेट ऑन हीटिंग इट इज गिविंग अस कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इसका परसेंट यील्ड दिया आपको 80%। फिलहाल आप इसको छोड़ दीजिए, इसको हम बाद में लिखेंगे। इसका मास आपको दिया है 0.5 किलोग्राम, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 500 ग्राम, क्यों ग्राम में बनाया आपको समझ में आ गया होगा, हाँ क्योंकि हमें मोल्स निकालने के लिए ग्राम ही तो चाहिए। चलिए ये देखिए कैल्शियम कार्बोनेट है और हमें कार्बन डाइऑक्साइड के साथ डील करना है, कैल्शियम ऑक्साइड की उसने बात नहीं किया तो हम भी उसको इग्नोर करेंगे। चलिए बताइए एक मोल कैल्शियम कार्बोनेट में आपको कितना कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलनी चाहिए, ये एक है तो ये भी एक है, एक मोल कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलनी चाहिए, ये हमें कैसे पता चल रहा है, स्टोइकियोमेट्री से। देखिए सबका रेशियो 1:1:1 है, इसका अगर 1 मोल नहीं है तो इसका भी 1 मोल रहेगा, इसका भी 1 मोल रहेगा। हमने कार्बन डाइऑक्साइड क्यों चूज किया, क्योंकि हमसे मास ऑफ किसका पूछा है, हाँ CO2 का पूछा, इसलिए हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ डील कर रहे हैं। अब बताइए हमें तो पहले ये निकालना होगा कि 500 ग्राम में कैल्शियम कार्बोनेट के कितने मोल्स हुए, तो देखिए गिवन मास अपॉन मोलर मास कर दीजिए, गिवन मास कितना 500 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट 100 आएगा, डिवाइड करेंगे तो ये 5 मोल्स मिलेंगे, कितने 5, तो बताइए 5 मोल कैल्शियम कार्बोनेट में कितने मोल कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेंगे, सिंपल है
एक मोल कैल्शियम कार्बोनेट अगर आपको एक मोल CO2 देता है तो 5 मोल कितना देगा, 5 मोल CO2 देगा। ध्यान रहे ये हम स्टोइकियोमेट्री से खुद कैलकुलेट कर रहे हैं कि इतना हमें 5 मोल CO2 मिलना चाहिए। सॉल्व कर दीजिए क्योंकि हमें मास निकालना है, तो मोल से मास बनाने के लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। देखिए किसका मास निकाल रहे हैं हम, CO2 का, तो मोलर मास में किसका लेंगे हम, CO2 का। देखिए 16 टू 32 प्लस 12 44 मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 220 ग्राम। ध्यान रहे ये मेरी कैलकुलेटेड वैल्यू है कि मुझे 220 ग्राम मिलना चाहिए था, मिलेगा कि नहीं वो किस पर डिपेंड करेगा, परसेंट यील्ड पे। तो देखिए परसेंट यील्ड कितनी है हमारी, 80%। ध्यान रहे हम क्या निकाल रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का मास निकाल रहे हैं। तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, प्रोडक्ट में है या रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट में। अभी हमने देखा जब हम रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाते हैं तो हम मल्टीप्लाई बाई परसेंट यील्ड करते हैं। देख लीजिए रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट बनाते हैं देन मल्टीप्लाई बाई परसेंट यील्ड, तो देखिए कितना आया था हमारा 220 ग्राम मल्टीप्लाई बाई परसेंट यील्ड कितना था 80%। 80% का मतलब इसको हटा दीजिए अपॉन 100 मिल जाएगा आपको, जीरो से जीरो कैंसिल कर दीजिए, इस जीरो से इसको कैंसिल कर दीजिए, इनको मल्टीप्लाई करिए देखिए कितना आ जाएगा 22.8 ग्राम, ये आ गया आपका आंसर। यानी कि जब आप रिएक्शन कराएंगे तो आपको कितना मिलेगा, 126 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगा, मिलना कितना चाहिए था आपको 220 ग्राम। समझ में आ रहा है, कर सकते हैं। चलिए और एक आखिरी एग्जांपल देखते हैं। देखिए इसका ये पूरा सॉल्यूशन यहाँ पे आपको दिया हुआ है, आंसर कितना आएगा 126 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, दिस इज एक्सपेरिमेंटल यील्ड, ये इतना आना चाहिए, सॉरी ये इतना आना चाहिए 220 ग्राम और ये इतना आएगा। अगर वो 100% परसेंटेज यील्ड होता तो बताइए कितना आना चाहिए था 220 ग्राम और कितना आता, वो भी 220 ग्राम ही आता। चलिए मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या दिया है, हाँ H2CO3 ऑन हीटिंग ब्रेक्स डाउन इनटू वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है ये हमें दिया हुआ है रिएक्शन और इसका परसेंटेज यील्ड कितना दिया है आपको 75%। ध्यान दें इस बार आपको वाटर के मोल्स दे रखे हैं, किसके, हाँ वाटर के मोल्स इसने दे रखे हैं और आपसे क्या पूछ रहा है, मास ऑफ द H2CO3, कि बताइए H2CO3 के कितना मास लेंगे कि 75% यील्ड पे भी आपको कितना मिलना चाहिए, 10 मोल वाटर मिलना चाहिए। तो बहुत सिंपल है, ये तो आपको पहले से ही मोल्स में मालूम है। तो देखिए पहले आपने रिएक्शन को शक्ल देख के बताइए स्टोइकियोमेट्री से, एक मोल H2CO3 आपको एक मोल H2O देगा, देगा ना, तो बताइए 10 मोल वाटर, यहां से देखिए बताइए एक मोल वाटर वन मोल H2O विल गिव यू वन मोल H2CO3। ध्यान रहे इसमें हम सिर्फ वाटर से क्यों डील कर रहे हैं, उसमें तो कार्बन डाइऑक्साइड से डील किए थे क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड के लिए पूछा था, अभी वो पूछ किसे रहा है H2CO3 के लिए और वैल्यू किसको दिया है H2O का, तो हम इन दोनों को रिलेट करेंगे बस। तो देखिए एक मोल H2O से आपको एक मोल H2CO3 बनेगा, तो बताइए 10 मोल से कितना बनना चाहिए, 10 मोल H2O से, सिंपल है 10 मोल H2CO3 बनना चाहिए। ध्यान रहे ये बनना चाहिए, बनेगा या नहीं वो किस पर डिपेंड करेगा, परसेंट यील्ड पे, ठीक है। तो बस देख लीजिए 10 मोल इसको मास में बना लीजिए, मोल से जब मास बनाते हैं तो बताइए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय मोलर मास, H2CO3 को मास निकाल रहे हैं तो इसी के मोलर मास से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए कार्बोनेट का आता था 60 और इसका करेंगे तो 62, सॉल्व करेंगे तो आएगा 620 ग्राम। ध्यान रहे 620 ग्राम आना चाहिए, ठीक है ये 620 ग्राम आना चाहिए, लेकिन आएगा कितना देखिए, एक्चुअली
ये प्रोडक्ट है, ये रिएक्टेंट है। हम किसका मास निकाल रहे हैं? रिएक्टेंट का। जब हम प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनाते हैं हम क्या करते हैं, डिवाइड बाई परसेंट यील्ड। तो इसी मास को 620 को क्या करिए, डिवाइड बाई परसेंट यील्ड अपॉन में लिख लीजिए सीधे। परसेंट यील्ड कितना दिया 75%, परसेंट को वैल्यू हटाएंगे तो अपॉन 100, नीचे का 100 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। आप इसको सॉल्व कर दीजिए, देखिए 0 से 0 कैंसिल, 25 से कैंसिल कर दीजिए 3 times 4 times, और इनको सॉल्व करिए, देखिए जो वैल्यू आएगी आप लिख लीजिएगा, लिख सकते हैं। अगर हमसे कह देते नहीं भाई सिर्फ हमें मोल्स बताइए कितने मोल्स चाहिए यहाँ पर, तो कैलकुलेट कर सकते थे बिल्कुल। ये 10 मोल है तो ये 10 मोल होना चाहिए, लेकिन कितना आएगा, 10 मोल डिवाइडेड बाई 75%। डिवाइड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम प्रोडक्ट से रिएक्टेंट को गेस कर रहे हैं, तो 75 into 100 ऊपर कर देंगे, फिर से ये 4 times ये 3 times, ये आ जाएगा 40/3 के अराउंड। तो आप इस वैल्यू को सॉल्व कर देंगे, आपको अपना आंसर मिल जाएगा। देखिए मोल से यहाँ निकाला गया कितना आएगा, 40/3 मोल। मास निकाला गया कितना आएगा, 826.67 ग्राम। आप ऊपर उसको सॉल्व कर देते तो वैल्यू उतनी ही आ जाएगी। बात समझ में आ रही है आपको? इस क्वेश्चन में जो हम आपको सिखा रहे हैं वो ये है कि पहला काम आपको स्टोइकोमेट्री देख के गेस करना है कि कितना आना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, कितना आएगा वो किस पर डिपेंड करेगा, परसेंट यील्ड पे। अगर आप रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट के बारे में चीज़ों को गेस कर रहे हैं, तो आप क्या करिए, मल्टीप्लाई बाई परसेंट यील्ड। अगर आप प्रोडक्ट से रिएक्टेंट के बारे में गेस कर रहे हैं तो आप क्या करिए, डिवाइड बाई परसेंट यील्ड कर दीजिए, वैल्यू आपकी आ जाएगी। चलिए अब आपके लिए कुछ होमवर्क है, कितना 2 questions आपके होमवर्क है, आप आराम से ट्राई करिए, 2 नहीं ज़्यादा होंगे होमवर्क, तो 2 तो यहाँ पे हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और देखिए फिर तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे है और चौथा क्वेश्चन यहाँ पे है, सो आप एक बार ट्राई करिएगा, हो जाना चाहिए, नहीं आएगा फिर हम नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। और 1-2 questions आपको दिखाते हैं थोड़े से अच्छे लेवल के। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास है, 0.4 मोल ऑफ PCl5 कंबाइंस विथ 1.8 मोल ऑफ H2O। इफ 65.7 ग्राम ऑफ HCl इज फॉर्म्ड देन द परसेंट यील्ड ऑफ द रिएक्शन विल बी। ठीक है, रिएक्शन आपको दिया गया है, आपसे क्या पूछ रहा है, परसेंट यील्ड पूछ रहा है, तो बहुत सिंपल है, कर सकते हैं आराम से। देखिए रिएक्टेंट आपको दिया है, रिएक्टेंट की मोल्स भी आपको दिए, ये है हमारा 0.4 मोल और ये हमारा 1.8 मोल। ठीक है, आपको याद आया हमने लास्ट टाइम पढ़ा के ये कहा था, जब भी हमको एक से ज़्यादा रिएक्टेंट्स मिलेंगे और उसके मास अमाउंट या मोल्स वगैरह दिए हैं, तो पहला काम आप चेक करेंगे उसमें लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। हाँ, अगर आपने चेक नहीं किया तो आपका गेम हो जाएगा, तो आपको पहले इनमें से चेक करना होगा कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। तो चेक करते हैं लिमिटिंग रिएजेंट के लिए क्या करते हैं, मोल्स को स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करते हैं। तो देखिए 0.4 को इसका कोएफिशिएंट कितना 1, डिवाइड करेंगे कितना आएगा 0.4 ही आएगा, ये देखिए कितना 1.8, इसका कोएफिशिएंट कितना 4। तो देखिए 1.8 को जब आप 4 से डिवाइड करते हैं तो ये वैल्यू आती है 0.45, ये वैल्यू है 0.4, तो इसको भी डबल डिजिट में लिख लीजिए 0.40, लिख सकते हैं डेसिमल के एक्सट्रीम राइट साइड में आप 0 लगा सकते हैं। तो देखिए 0.40 हो गया और ये वैल्यू है 0.45। अरे कौन वैल्यू छोटी है, PCl5 या H2O? हाँ PCl5, तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन, PCl5। तो बस पहला काम तो आपका हो गया, दिस इज आवर लिमिटिंग रिएजेंट, यानी कि इस पर डिपेंड करेगा प्रोडक्ट। तो बस देखिए हमें किसके लिए डिसाइड करना है, HCl के लिए, डेटा किसके लिए दिया गया, HCl के लिए। तो बताइए 1 मोल PCl5 से कितने मोल आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिल रहा है, 5, तो लिख लेंगे 1 मोल PCl5
गिव्स अस 5 मोल्स ऑफ HCl। कैसे पता चला है? स्टोइकियोमेट्री से। इतना मिलना चाहिए, सब प्रोडक्ट क्या है हमारी, मिलनी चाहिए, सब एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से अलग हैं, क्योंकि ये सब हमारे थ्योरेटिकल वैल्यूज हैं, हम खुद कैलकुलेट कर रहे हैं कि हमें इतना मिलना चाहिए। बताइए, एक्चुअली हमारे क्वेश्चन में PCl5 दिया कितना है, 0.4 मोल। तो हम अपनी वैल्यू को किसके साथ कंपेयर करेंगे, 0.4 मोल के साथ। तो देखिए, 1 में 0.4 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा 0.4 मोल PCl5, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी उसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करिए, तो 0.4 का 5 से मल्टीप्लाई करिए, देखिए हो जाएगा 2 मोल HCl। ठीक है, हमसे क्या पूछा, मास पूछा है, क्या पूछा, देखिए हमसे तो पूछा परसेंट यील्ड। अच्छा, परसेंट यील्ड निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, मास चाहिए ना। तो चलिए देखिए, परसेंट यील्ड के लिए पहले मास बना लीजिए, मोल से मास बनाना है, क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाई मोलर मास। मोलर मास किसका मास निकाल रहे हैं हम, HCl का, तो मोलर मास भी किसका लेंगे, HCl का। देखिए, क्लोरीन का 35.5, हाइड्रोजन का 1, ऐड करिए 36.5 आएगा, इनको मल्टीप्लाई करिए, देखिए हो जाएगा 73 ग्राम। ध्यान रहे, ये मास आनी चाहिए HCl की, ये मास हमारी उम्मीद है कितनी आनी चाहिए, कितनी आ रही है वो दिया हुआ है आपको, आगे दिया है, देखिए क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। If 65.7 ग्राम ऑफ HCl इज फॉर्म्ड, जब आपने एक्सपेरिमेंट किया तो आपको कितना मिला, सिर्फ 65.7 ग्राम मिला है, तो परसेंटेज यील्ड निकालना हमें, तो निकाल लीजिए, फॉर्मूला लगा दीजिए, अब परसेंट यील्ड का फॉर्मूला बताइए। हाँ, कितना मास मुझे मिला वो है 65.7 ग्राम अपॉन, मुझे कितना मास मिलना चाहिए था, दैट इज 73 ग्राम, क्योंकि परसेंट निकाल रहे हैं तो मल्टीप्लाई बाय 100, इसको सॉल्व करेंगे, प्लीज डेसिमल को हटाइए, तो अपॉन में एक जीरो मिल जाएगा आपको, इस जीरो से जीरो कैंसिल कर दीजिए, 73 है 657, इसको डिवाइड करेंगे, देखिए 9-10 में डिवाइड हो जाएगा, ये बचा 9, ये 10, 9-10 जा 90, यानी कि परसेंट यील्ड कितना आएगा, 90% आएगा। बात समझ में आ रही है, क्लियर हो रहा है, अब क्वेश्चन कर सकते हैं खुद से। चलिए, इसका आएगा वैल्यू कितना, 90%। सॉल्यूशन आपके सारे लिखे हुए हैं, पीडीएफ में आपको मिल भी जाएगा, देख लीजिए आगे नीचे और क्वेश्चन नहीं है, नहीं, एक और क्वेश्चन करते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हमारा, इन अ सर्टेन रिएक्शन, ठीक है, रिएक्शन भी हमें सामने दिया हुआ है, ये रिएक्शन है, मैग्नीशियम प्लस टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड गिव्स अस टाइटेनियम प्लस मैग्नीशियम क्लोराइड। एक्चुअली ये कैसा रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, टेंथ में हमने पढ़ा था ना, देखिए मैग्नीशियम टाइटेनियम से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो मैग्नीशियम क्या करेगा, टाइटेनियम को डिस्प्लेस करेगा और खुद कंबाइन हो जाएगा किसके साथ, क्लोरीन के साथ। चलिए, रिएक्शन हमारे सामने दिया गया है, क्या क्या और डेटा दिया, देखिए 285 ग्राम ऑफ टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड इज रिएक्टेड विथ 96 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम। चलिए हम वैल्यू को आगे रिएक्शन में लिख लेते हैं, रिएक्शन पर लिख लिया टाइटेनियम क्लोराइड, कितना दिया 285 ग्राम, ये दिया ना, हाँ, रिएक्ट्स विथ मैग्नीशियम एंड मैग्नीशियम वैल्यू इज गिवन 96 ग्राम गिविंग अस मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 प्लस टाइटेनियम। बैलेंस कर लीजिए, देखिए क्लोरीन बैलेंस नहीं है ना, तो क्लोरीन बैलेंस कर लीजिए, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करिए, क्लोरीन बैलेंस हो गया 4 एटम, अब मैग्नीशियम बैलेंस नहीं है तो मैग्नीशियम को 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, रिएक्शन तो बना ही सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो हमारा रिएक्टेंट है एक से ज़्यादा है, जब भी हमें रिएक्टेंट एक से ज़्यादा मिलेगा हमारा काम क्या होता है, लिमिटिंग रिएजेंट निकालना। तो देखिए, लिमिटिंग रिएजेंट निकालने के लिए मोल्स को उनके कोफिशियंट से डिवाइड करना होता है, तो पहले मोल्स चाहिए ना, ये तो मोल्स दिया ही नहीं है, तो मास दिया है, तो पहले हम यहाँ से मोल्स निकाल लेंगे। बताइए, मोल्स निकालने के लिए क्या करते हैं, हम डिवाइड करते हैं, तो चलिए 285 को डिवाइड करिए किससे, मोलर मास से, किसके, टाइटेनियम क्लोराइड के,
देखिए टाइटेनियम का मास होता है 48, कितना होता है 48, तो ले लीजिए 48 प्लस क्लोरीन का होता है 35.5, उसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 142 और 48 ऐड कर देंगे, देखिए 190 ग्राम आ जाएगा। तो आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1.5 मोल्स। अब ऐसे ही इसका देखिए 96 डिवाइडेड बाई मैग्नीशियम, मैग्नीशियम कितना होता है 24, इसको डिवाइड करिए देखिए कितना आएगा 4 मोल्स, ये आ गया आपका 4 मोल मैग्नीशियम और 1.5 मोल टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड। यहाँ तक क्लियर है? क्या हम यहाँ से देख के बता सकते हैं लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? नहीं। लिमिटिंग रिएजेंट हमें कैसे पता चलता है? जब हम मोल्स को उनके स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करेंगे, यानी कि 1.5 को किससे डिवाइड करेंगे, 1 से, ये तो सेम रहेगा 1.5। इसको किससे डिवाइड करेंगे, इसके कोएफिशिएंट से, इसका कोएफिशिएंट कितना 2, सो 4 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 2, मतलब कौन सी वैल्यू छोटी है, हाँ अभी भी यही छोटी है, यानी कि दिस इज आवर लिमिटिंग रिएजेंट, पहली चीज। दूसरी मोल्स जो हमें मिली है, मोल्स को लिख लेंगे, मोल्स हमारे बड़ी काम के होंगे। इसका कितना मोल्स आया था 1.5, इससे कितना आया था 2। चलिए लिमिटिंग रिएजेंट की हेल्प से हम स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट दोनों को मिलाकर क्या करें, हम डिसाइड कर लें हमें कितना क्या मिलना चाहिए। क्वेश्चन में और देखिए कुछ दिया है क्या, कैलकुलेट द परसेंट यील्ड, ठीक है, ऑफ टाइटेनियम, 36 ग्राम ऑफ टाइटेनियम इज एक्चुअली ऑब्टेंड फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट। हाँ, एक्सपेरिमेंट से हमें कितना मिला है, 36 ग्राम टाइटेनियम मिला, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, थ्योरेटिकल वैल्यू नहीं है, क्या ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, कितनी 36 ग्राम। चलिए कोई बात नहीं, बताइए स्टोइकोमेट्री देख के लिमिटिंग रिएजेंट ए ये है ना, तो एक मोल टाइटेनियम क्लोराइड से, सॉरी एक मोल टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड से आपको कितना मोल टाइटेनियम मिल रहा है, एक मोल टाइटेनियम मिल रहा है, राइट। देखिए हमारे पास कितना मोल टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड है, 1.5 मोल, तो यहां लिखेंगे 1.5 मोल टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड से कितना मिलेगा, देखिए जब एक मोल था तो एक मोल मिला, तो 1/2 मोल रहेगा, तो ये भी कितना मिलेगा 1/2 मोल, यानी 1.4 मोल, 1.5 मोल ऑफ टाइटेनियम। ये मोल्स है ना, इसको मास बना लीजिए, मोल से मास बनाने के लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। देखिए 1.5 मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास किसका, टाइटेनियम का, टाइटेनियम का अभी हमने बताया कितना होता 48, इसको सॉल्व करिए देखिए कितना आ जाएगा, ये हो जाएगी 72 ग्राम। ध्यान रहे ये मेरी कैलकुलेशन कह रही है कि मुझे 72 ग्राम मिलना चाहिए, लेकिन एक्सपेरिमेंट ये कह रहा है कि मुझे कितना मिला 36 ग्राम। तो बस हमसे क्या पूछा, परसेंट यील्ड पूछा है, निकाल दीजिए, बताइए परसेंट यील्ड का फॉर्मूला, मुझे कितना मास मिला 36 ग्राम दिया है, मुझे कितना मास मिलना चाहिए था, मुझे कैलकुलेट किए थे कितना आया था 72 ग्राम मल्टीप्लाई बाई 100, इसको इसे डिवाइड करिए 2 टाइम्स में, इसको इसे डिवाइड करिए आ गया 50%, तो परसेंट यील्ड की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50% आ जाएगी। हाँ आंसर देखिए 50% आ जाएगा, बात समझ में आ गई, कर सकते हैं। अब हमें लगता है आपको परसेंट यील्ड टॉपिक पूरी तरह से क्लियर हो गई होगी, ये पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन है जो कि आपको पीडीएफ फॉर्म में, जब तक आप वीडियो देख रहे होंगे हो सकता है आपको मिल चुका होगा, नहीं मिला होगा तो जब हम आपको ग्रुप में भेजेंगे तो आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारी परसेंट प्योरिटी, एक बार हम टाइम चेक कर ले फिर उसके बाद डिसाइड करते हैं सुपड़ाना है या नहीं। चलिए तो एक काम करते हैं फिर, आज हम इसको छोड़ते हैं क्योंकि 54 मिनट प्लस वीडियो बन गया है, इस टॉपिक को ख़त्म करने में हमें लगता है 15 मिनट और लग जाएगा, यानी 1 घंटा 10 मिनट का वीडियो बन जाएगा, तो रहने देते हैं, इसको हम नेक्स्ट टॉपिक में कवर करेंगे। तो जब आप कॉपी कंप्लीट कर रहे होंगे तो आप पर्सन प्योरिटी टर्म्स को छोड़ दीजिएगा, इसको हम कब कवर करेंगे, अगले लेक्चर में। टिल दैट थैंक यू सो मच।